हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिव कुमार और अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में कि जो है इस समय अलवाहा में कितना ट्रैफिक चल रहा है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, तो चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। वीडियो पूरा देखना तभी समझ में आएगा, ठीक है। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना ट्रैफिक लगा है यहाँ पे आज। अभी बहुत दूर तक है, लाल बत्ती बहुत दूर है, देखिए ट्रैफिक पूरा, गाड़ी पूरा लाइन से लगा है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को आगे चल के कितना लंबा लंबा ट्रैफिक यहाँ पे लग रहा है इस समय। देख सकते हैं पूरा सामने तक, देख सकते हैं पूरा जामा है, पूरा एकदम ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। अभी देखिए रुकना पड़ रहा है। ये देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा गाड़ी बढ़ रहा है, तो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, ट्रैफिक बहुत ज़बरदस्त है आज यहाँ पे, क्योंकि अभी बकरीद खलास हुआ, छुट्टी हुआ ना, सब लोग आ गया इधर अलवाहा में। यहाँ पे ठंडा मौसम रहता है इसीलिए सब लोग आ गया इधर ज़्यादा, तो ट्रैफिक इसी से बढ़ गया ज़्यादा। तो अभी देख सकते हैं पूरा एकदम आप यहाँ वीडियो में कि कितना लंबा जाम लगा है। ये देखिए अभी देखिए एक ही जगह कब से खड़ा हूँ, गाड़ी थोड़ा भी सरक नहीं रहा है। अभी देखता हूँ थोड़ा थोड़ा सरकता है। देखिए हल्का हल्का अब आगे बढ़ रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सरक रहा है, बस बहुत लंबा जाम है। ये देखिए आज का बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में, आप देख सकते हैं ट्रैफिक कितना ज़बरदस्त होने वाला है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, अभी आप लोगों को दिखाऊंगा आगे चल के, आगे लाल बत्ती तक कितना टाइम लगता है जाने में, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो वीडियो में आप देख सकते हैं कितना टाइम लगेगा लाल बत्ती तक जाने में। तो अभी देखिए धीरे धीरे अब गाड़ी आगे बढ़ रहा है, अभी देखता हूँ कितना टाइम लगेगा लगभग। ये देखिए फिर रुक गया, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ के फिर रुक जा रहा है, जाम बहुत ज़बरदस्त है। अभी देखिए सिग्नल तक मेरे को पहुंचने में कितना टाइम लगता है। रूट भी नहीं चेंज कर सकते हो भाई, रूट कैसे चेंज करोगे, इतना जाम है। कोई फोटो खींच के भेज देगा मरूर में, बस आ जाएगा फाइन। इसीलिए गाड़ी यहाँ पे चलाते समय सब चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। देखिए कितने नज़दीक नज़दीक में गाड़ी खड़ है, इतना नज़दीक नज़दीक में गाड़ी चलता है, हिसाब से एकदम सोच लो कि ध्यान एकदम सामने रहना चाहिए गाड़ी के चलाते समय, इधर उधर ध्यान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कितना लोगों को लगता है कि बस मैं जाएगा गाड़ी तो एकदम चलाएगा सऊदी अरब में एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा गाड़ी चलाने में, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है, यहाँ पे सब दिक्कत होता है, ठीक है। देख सकते हैं कितना टाइम लग रहा है, अभी लाल बत्ती तक नहीं पहुँचे हैं, लाल बत्ती तक पहुँचते पहुँचते देखो कितना टाइम लगता है, कोई गारंटी नहीं है भाई। अभी और आगे चल देखता हूँ लाल बत्ती पहुँचने में बहुत टाइम लग रहा है भाई, क्या करोगे, जाम बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं आप।
कितना जाम है। तो जैसे कि देखिए आप यहाँ पे कितना जाम लगा है, इशारा खुल रहा है बंद हो जा रहा है, गाड़ी पूरा परफेक्ट जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो अभी देखिए अभी लाल बत्ती पे बस पहुंचने वाला हूँ, इस बार देखता हूँ लाल बत्ती खुलता है पार हो जाता हूँ कि नहीं हो जा पाता हूँ, क्योंकि 5 मिनट हो गया है मेरे को लाइन में खड़े खड़े। पूरा 1.5-2 किलोमीटर तक जाम लगा है भाई पीछे तक। अभी देखते हैं, देख सकते हैं कितना जाम लगा है, बहुत ज़्यादा जाम है भाई, गाड़ी का तो आज जवाब नहीं है कितना जाम है। इस समय जो नया ड्राइवर आ रहा है उसके लिए तो सैफियम बहुत मुश्किल है भाई, जो मतलब नया है यहाँ पे सऊदी में पहली बार आ रहा है उसके लिए तो दिक्कत है भाई, क्योंकि वो थोड़ा दिक्कत होगा गाड़ी चलाने में, और जो पुराना यहाँ पे है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे यार भाई जिद्दा रियाज से ड्राइवर आता है वो लोग भी सोचने लगता है कि यार यहाँ का रोड ऐसा है, गांव का रोड ऐसा है कि गाड़ी लेके जाओगे सामने कुछ दिखेगा नहीं, पता नहीं चलेगा आगे रोड है कि नहीं है, ऐसी ऐसा है। तो इसीलिए अभी एक ड्राइवर आया है, वो पुराना है फिर भी आया यहाँ अलवा में पहली बार आया, वो तो मेरे से बोला भाई यहाँ पे डर लगता है गाड़ी चलाने में। मैं बोला क्यों, वो बोलता है भाई यहाँ का जो सऊदी के लड़के हैं गाड़ी ऐसे वैसे चलाते हैं, डर लगता है कहीं ठोक ना दे लाके, और सामने रोड भी नहीं दिखता है साला, पता नहीं चलता। मैं बोला भाई यहाँ का रोड ही ऐसा है, यहाँ पे जो ड्राइवर सक्सेस है तो पूरे सऊदी में कहीं भी गाड़ी चला सकता है, उसको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा सऊदी के अंदर, अगर यहाँ पर अलवा में गाड़ी चला के पास है तो। चलिए अभी मैं भाई लाल बत्ती क्रॉस करके अभी आगे निकल रहा हूँ और देख रहा हूँ अब कितना टाइम लगता है यहाँ से आगे निकलने में। थोड़ा भाई हचका लग रहा है तो इससे मोबाइल थोड़ा डिसबैलेंस हो जा रहा है, तो अभी मैं आगे चल के, और हमें तो यहाँ से महातेपर से गाड़ी निकालना पड़ेगा, राइट में लेना पड़ेगा। देख लीजिए कहीं पार्किंग जल्दी नहीं मिलेगा इसमें, अगर सोचो कि गाड़ी पार्किंग कर दें तो पार्किंग नहीं मिलता है भाई। अभी हमें महातेपर से गाड़ी आगे राइट में लेना है। ये देखो मोबाइल में थोड़ा प्रॉब्लम है, एक साइड में वजन ज़्यादा पड़ जा रहा है इसीलिए घूम जा रहा है। तो देखता हूँ देखते हैं निकलने का जगह होगा तो आगे से ही पेट्रोल पंप से मैं राइट मिलेंगे भाई, ये वाला रोड छोड़ेगा क्योंकि इस रोड पे बहुत ज़्यादा जाम है, देख सकते हैं साइड में पूरा कितना जाम लगा है। अभी मैं यहाँ से राइट में ले रहा हूँ, राइट में ले लिया मारते पे आके। तो अभी
देखिए मोबाइल का थोड़ा प्रॉब्लम है भाई, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और आगे देख सकते हैं मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ। तो बस आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और जो हमारे चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ यार। ठीक है भाई, ओके बाय।